आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। सरकारी गेहूं खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इसके लिए 2015 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है, जबकि मंडी में 2070 के दाम में गेहूं खरीदा जा रहा है। ऐसे में किसानों का रुझान सरकारी केंद्रों की ओर होता नहीं दिख रहा है। किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिल सके, इसके लिए जिले में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो गई थी, जहां 2015 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा निर्धारित किया गया था। बीते वर्ष के सापेक्ष 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन मंडी में शासन द्वारा जो मूल्य का निर्धारण किया गया है, उससे 55 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आंटी अधिक दामों पर गेहूं खरीद रहे हैं। ऐसे में किसान क्रय केंद्र पर जाने से बच रहे हैं। खरीद शुरू हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन क्रय केंद्र पर एक भी किसान गेहूं लेकर नहीं पहुंचा है। जिला विपणन अधिकारी नंद किशोर ने बताया कि अभी खेतों से गेहूं निकल कर नहीं आया है। किसानों से संपर्क कर उन्हें सरकारी केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए जागरूक किया जाएगा। किसानों का कहना है कि क्रय केंद्र से अधिक दामों में आंटियों द्वारा गेहूं खरीदा जा रहा है, वहीं सरकार ने जो मूल्य का निर्धारण किया वो कम है, इसलिए मंडी की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं बता दें आपको, मानपुर के रहने वाले एक किसान ने ये कहा है कि सरकार द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह बहुत कम है, डीजल और खाद पर लगातार पैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्रय केंद्र पर फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी खबर और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।